हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 4, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। पिछला जो लेक्चर था उसमें अपन ने इस चैप्टर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था, जहां अपन ने मैग्नेट वगैरह के बारे में बात की थी, प्लस अपन ने ओस्टर्स का एक्सपेरिमेंट अपन ने डील किया था। आज अपन बात करेंगे बायट सेवर्ट लॉ के। ठीक है, तो बायट सेवर्ट लॉ में अपन क्या बताएंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड अपन ने बताई थी पिछले लेक्चर में, उसका कितना मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगी, वो अपन इस लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर बना रखा है MN। MN क्या है, ये एक कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया क्या क्या है। लेट MN बी ए कंडक्टर कैरिंग करंट I। MN एक कंडक्टर है जो I करंट को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। कंसिडर अ स्मॉल लाइन एलिमेंट DL ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड DB इज डेवलप्ड एट पॉइंट P। ठीक है, अपन ने क्या किया, ये जो एक बहुत बड़ा कंडक्टर है MN, इसमें से अपन ने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया DL। ठीक है, इस बड़े में से अपन ने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया DL, और अपन ने मान लिया कि ये जो DL एलिमेंट है, इस एलिमेंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। कहाँ पर, पॉइंट पी पर, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी मानी अपन ने, DB। ठीक है, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी कम जनरेट होगी, तो अपन ने कितनी मानी, DB ही मानी है। कहां पर, पॉइंट पी पर। लेट वेक्टर आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट DL। ठीक है, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन DL एंड वेक्टर आर। ठीक है, तो अब अपन ने माना है कि ये जो वेक्टर आर है, ठीक है, ये पोजिशन वेक्टर है किसका, ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट DL। ठीक है, ये जो आर वेक्टर है ये क्या है, पोजिशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम DL। ठीक है, इतना क्लियर है। और अपन ने मान लिया एंड थीटा विद एंगल बिटवीन DL एंड R, और ये जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल, इस एंगल को मान लिया अपन ने थीटा एंगल है। ठीक है, DL और R के बीच में जो एंगल है वो कितना है, एंगल थीटा। देन अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड DB इज। ठीक है, अब ये सब करने के बाद अब अपन बताएंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी एट पॉइंट पी, ठीक है, इस DL छोटे से एलिमेंट की वजह से वो कितनी होगी, वो कौन बताएगा, अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट लॉ। तो यहाँ पे अब अपन बता रहे हैं, देन अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड DB इज। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है। फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू the conductor। ठीक है, अब अपन ने क्या बोला कि इस DL की वजह से P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इस कंडक्टर में जितना करंट फ्लो हो रहा उसके वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। अब सेकंड और क्या बताता है बायट सेवर्ट लॉ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट या स्मॉल करंट एलिमेंट बी है, दैट इज। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, DL के भी प्रोपोर्शनल है। पहले अपन ने बताया कि करंट के प्रोपोर्शनल है, फिर अब क्या बता रहे हैं कि ये DB किसके प्रोपोर्शनल है, DL के प्रोपोर्शनल है, दैट इज DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऊपर जो मैंने अजम्पशन लिखे ये तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या माना है, तो इसको मैं अब क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं। अब थर्ड पॉइंट, डायरेक्टली proportional to the sine
angle between DL and R, ठीक है। अब जो होगा कि अब अपन क्या बोले कि जो DB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, साइन ऑफ एंगल बिटवीन DL एंड R। यहाँ पे DL और R के बीच में एंगल कितना है, थीटा, और इसका क्या लेना है, साइन कंपोनेंट, मतलब क्या लेना है, साइन थीटा। तो जो DB है अपना वो DB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इट इज इक्वेशन नंबर 3। फोर्थ पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डीएल एंड पॉइंट, ठीक है। अब अपन बोल रहे हैं कि ये जो DB है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन DL एंड P। ये जो DL है स्मॉल करंट एलिमेंट और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है अपना P, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके वो स्क्वायर के क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज DB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर, क्योंकि अपन ने डिस्टेंस कितना माना, r माना, तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पे देखिए अपने पास चार इक्वेशन बने, क्या-क्या बना, एक DB इज प्रोपोर्शनल टू i, DB is proportional to DL, DB is proportional to sin theta and DB is proportional to R square, ठीक है। तो इनको मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। सबसे पहले लिखा मैंने DB is proportional to I, second DB is proportional to DL, then DB is proportional to sin theta, then DB is inversely proportional to R square, ठीक है। तो चार इक्वेशन है, अभी नीचे वाला मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, चार इक्वेशन को अपन क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, DB इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए पहले क्या था I, फिर क्या है DL, फिर क्या है साइन थीटा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है आर स्क्वायर। तो DB क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो यहां से अपन को प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो इक्वल का लगाना है, तो अपन क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो DB इज इक्वल टू के आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब एसआई सिस्टम में बात करें, इन SI सिस्टम जो होता है SI यूनिट वाला, वहां पर जो K की वैल्यू होती है वो क्या आती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। K की वैल्यू क्या आती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो अपने पास यहाँ पे DB क्या आ जाएगा, DB वैल्यू इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये अपन बस क्या मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया किसके लिए, डीबी के लिए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतना क्लियर है होपफुली, ये तो अपन, ये जो अपन को वायर सेवर्ड लॉ से जो फॉर्मूला ड्राइव करना था ये अपना आ गया। अब इसके बाद कुछ चीजें और इसके बारे में आपको बता देता हूं मैं, इधर देखिए। अब यहाँ पे जो म्यू नॉट है, हियर म्यू नॉट इज द इस परमीएबिलिटी, म्यू नॉट क्या है, परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोल दें या एयर एंड वैक्यूम, एयर एंड वैक्यूम, ठीक है, एयर और वैक्यूम की परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी में आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में बता चुका हूं परमीएबिलिटी क्या होती है। तो DB जो है और इसकी वैल्यू भी लिख लीजिए, एंड म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 pi × 10⁻⁷। ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। अपन को खास तो यहाँ तक ही करना है कि ये चीज़ है कि अपना ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये होने के बाद
या पहले बता दें कि जो म्यू नॉट है परमेबिलिटी है एयर या वैक्यूम की, और इसकी वैल्यू इतनी होती है। अच्छा, अब इसको एक बार एक चीज और पूछी जाती है एग्जाम में कि ये जो आपने फॉर्मूला ड्राइव किया है इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत ही चाहिए, इन वेक्टर फॉर्म। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में अपन कैसे लिखेंगे, ये डीबी है ना, तो डीबी को पहले अपन ने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इट इक्वल्स टू, देखिए साइन थीटा के लिए अपन क्या यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, 11 क्लास में अपन ने पढ़ा, कॉस थीटा के लिए डॉट प्रोडक्ट और साइन थीटा के लिए क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहां से क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये तो एज इट इज हो गया। अब आई और डीएल अपन यहां पर बात करें तो आई तो अपने अलग ही, आई को मैंने अलग ही लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो साइन थीटा, ये साइन थीटा एंगल किसके बीच में, डीएल और आर के बीच में, तो अपन को क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में बताना पड़ेगा, डीएल और आर के बीच में, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डीएल क्रॉस आर, क्या कर दिया, डीएल क्रॉस आर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक आर मैंने एक्स्ट्रा किया, तो नीचे मेरे को एक आर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आर क्यू, ठीक है। तो क्या हो गया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यू, ठीक है। तो ये हो गया अपना इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, तो यहां से अपना साइन थीटा हट गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट किसके लिए लगता है, साइन थीटा के लिए लगता है, अपन यहां से जब क्रॉस हटाएंगे तो साइन लग जाएगा, तो वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये था अपना बायोट सेवर्ट लॉ, जिससे अपन क्या मिला, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन को क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। तो होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं हुआ। एक बार और शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, सबसे पहले अपन ने एक कंडक्टर लिया MN, ठीक है, उस MN कंडक्टर में से अपन ने माना कि आई करंट फ्लो कर रहा है। अब इसका अपन ने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट, एक स्मॉल करंट एलिमेंट माना DL, ठीक है, एक छोटा सा DL अपन ने करंट एलिमेंट माना, और माना कि इस DL की वजह से पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर डीबी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जनरेट हो रही है, ठीक है, इसकी वजह से पॉइंट पी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, डीबी, ठीक है। अब बायोट सेवर्ट लॉ क्या बोलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पर होगी डीएल की वजह से, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट बोला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ ऑफ द स्मॉल करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट की जो स्मॉल है इसके प्रोपोर्शनल होगी। थर्ड बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच में साइन लेना है कंपोनेंट, वो जो एंगल बना है उसका अपन को साइन कंपोनेंट लेना है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो हो गया डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इन सबको ज्वाइन कर दिया तो अपन को मिल गया आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक अपन ने कांस्टेंट लगाया के, एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम में के की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो ये हो गया डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसी को अपन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यू हो जाएगा। तो होपफुली ये क्लियर हो गई होगी, अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।